इसका स्टार्ट होने वाला, और नेक्स्ट वीक में जो अपनी एक एक्सचेंज लॉन्च करेंगे उसके ऊपर ये इसको लिस्ट करेंगे इस टोकन को। तो अभी उस एक्सचेंज को ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया गया, बट उसकी वेबसाइट आ गई है, उसका लिंक जो होगा वो आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको व्हाट्सएप का चैनल का ग्रुप लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको और भी बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं, और साथ में आपको इस एक्सचेंज का जो लिंक होगा एथ का, एथी नेटवर्क की एक्सचेंज का जो लिंक होगा वो आपको मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लें, उस पर अपनी आई डी बनाएं। वो सारा प्रोसेस आपको बता देता हूँ, कैसे अपने विड्रॉ लेना भी देखें। यहाँ पे मेरा कोई भी एथ टोकन नहीं बढ़ा हुआ और ना ही मेरा कोई लॉइन टोकन बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका विड्रॉल ले सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए इतना मुश्किल नहीं है, यहाँ पे आपने वही ईमेल एड्रेस इस जगह पर देना है जो आप लोगों ने एथीन नेटवर्क में दिया हुआ है। ईमेल एड्रेस देना है, पासवर्ड देना है, उसके अंदर आपका कोई भी एक कैपिटल वर्ड हो और नेम का, और उसके अलावा एक कोई भी डॉट सिंबल या मतलब कुछ भी आप कोई उसके बाद कोई स्पेशल करेक्टर यूज़ कर लें तो आपका ये हो जाएगा पासवर्ड। उसके बाद ये जो इनवाइट कोड है यहाँ पे आपका जो भी आ रहा होगा उसको आपने फिल नहीं करना, पासवर्ड को एंटर करना है यहाँ पे अगेन, ओके, कैप्चा को यहाँ से क्लिक करना है इसको, और उसके बाद आप लोगों ने इसमें साइन अप का क्लिक करेंगे। जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपको एक ओटीपी आएगा आपकी उसी ईमेल एड्रेस पे जिसके थ्रू आप इसको रजिस्टर्ड करेंगे, ठीक है। तो रजिस्टर करेंगे और यहाँ पे फिर आप उसके बाद जब आपके अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा ईमेल पुट करेंगे वही वाली, और उसके पासवर्ड वही लगाएंगे जो आपने वहाँ पे आईडी बनाते वक्त दिया था। कि मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ क्योंकि मेरी आईडी बनी हुई है, मैंने इसको लॉगिन किया हुआ है। अब ये देखिए मेरे पास ऐसे ओटीपी है, आपके पास भी ऐसे ओटीपी ही आएगा। आईडी हमारी कंप्लीट हो गई है, वहाँ पे हमने एक्सचेंज पे अपनी जो है बना ली है, अपनी आईडी बना ली है, उसको लॉगिन कर लिया। अब उसके बाद हम इसको कैसे विड्रॉ कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने यहाँ पे इसके वॉलेट के सेक्शन में जाना है। वॉलेट के सेक्शन में जाने के बाद अब रिसीव के ऊपर जाना है, हम ये वाला सेंड के ऊपर, सॉरी, ठीक है, सेंड के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास ये वाला नीचे आ रहा है, ये वाला ट्रांसफ़र टू ATX फंडिंग, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अब यहाँ से आपने जो भी अपने एथ या लाइन वहाँ पे ट्रांसफ़र करने हैं, आप सपोज कर लें यहाँ पे अपने लाइन ट्रांसफ़र करने हैं तो आप यहाँ पे इसको मैक्स कर लेंगे, या जितनी क्वान्टिटी आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपनी कोई भी अमाउंट जो होगी उसको क्लिक करेंगे, उसके बाद सेंड OTP पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक OTP आ जाएगा, और OTP जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो उसके बाद आपको जो होगा यहाँ पे सेंड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो अमाउंट जितनी भी आपने यहाँ से विड्रॉल लेना होगा वो आपको मिल जाएगी वहीं पे, और फ़ौरन से इंस्टेंट विड्रॉल मिलता है, वहाँ पे कुछ भी लेट नहीं होता। उसके बाद अगर आपने एथ ट्रांसफ़र करना है तो एथ का भी यही प्रोसीजर होगा, आप यहाँ से उसको मैक्स करेंगे, और उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस चेक कर लीजिएगा कि वही है जो आपने वहाँ पे बनाते वक्त लगाया है। अच्छा, उसके बाद सेंड OTP करेंगे और एथ भी आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगे, लेकिन एथ के लिए कुछ क्राइटेरिया इन्होंने लिया है। क्राइटेरिया क्या है कि मिनिमम आपके पास 5 क्वांटिटी होनी चाहिए एथ की, और बस उसके बाद फ़ीस यहाँ पर आपकी शो रही होगी, जितनी भी फ़ीस आपकी डिटक्ट होगी वो आप चेक कर लीजिएगा, ओके। अब जब आपको वहाँ से आप सेंड कर देंगे और जो आपके टोकन्स कहाँ पे मिलेंगे, आपको कहाँ पे नज़र आएंगे वो हम चेक कर लेते हैं। आपने यहाँ पे आना है इस इंटरफेस के ऊपर, ठीक है। जब आप इसको ओपन करते हैं इंटरफेस आता है यहाँ पे, ये वॉलेट वाला ऑप्शन है यहाँ पे ऊपर, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, अब जब क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे ये सारा बैलेंस शो होगा, जैसे कि मेरे पास ये बड़े हुए थे, मतलब ये लॉइन की क्वान्टिटी थी मैंने यहाँ पर ट्रांसफ़र की है, इसकी प्राइस आप देख सकते हैं बहुत कम है, और उसके अलावा एथ्स जो थे मेरे पास ये मैंने ट्रांसफ़र किए हैं 683, तो उसकी प्राइस ये यहाँ पे शो हो रही है। बस अभी फ़िलहाल के लिए इसको आप ट्रांसफ़र करके रख लें, जैसे ही ये लॉन्च होगा हम इसको सेल करके अपने प्रॉफिट को बुक कर लेंगे।